तो मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, आप लोगों को पढ़ा दिए, केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा मैं है ना, तो मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए। तो जैसे मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसी तरह से नॉन मेटल का क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। ये टॉपिक खत्म होगा तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ये बढ़ा दें है ना, बॉन्ड्स पढ़ा दें है ना, आखिर ये रिएक्शन क्यों होता है, ये HCl बन रहा है, CCl4 बन रहा है, ये कोवैलेंट क्या है, ये सबका मतलब आपको अच्छे से समझा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कोवैलेंट सर, तो इसका मतलब क्या है सर, सारे जगह खाली कोवैलेंट बना भरा हुआ, ये कोवैलेंट भरा हुआ है ना, सारे जगह खाली क्या लिखा है सर, कोवैलेंट लिखा है ना, तो ये सबका मतलब क्या है, कोवैलेंट का मतलब क्या होता है, आयनिक का मतलब क्या होता है ना, आयनिक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सीखेंगे केमिकल बॉन्ड में है ना। तो शाम को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता चुके हैं है ना, तो 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए आपको ड्रा करने के लिए है ना, लिखने के लिए आना चाहिए, वैलेंसी वगैरह। तो उसके आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड बता देंगे, तो आपका आयनिक पता चल जाएगा, आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड बन पता चल जाएगा है ना, ठीक। तो ये मेरा क्या बाबू, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन है ना, जैसा कल आपको रिएक्शन करवाए थे, तो रिएक्शन बाबू। और अच्छा, उसका एक गुनगुन का डाउट था जी, बता देंगे। गुनगुन कहाँ गई जी, चल गई जी, अरे शैतान गुनगुन, हाँ हाँ सर, यहीं पर, चलो ठीक है, बता देंगे बीच बीच में, ठीक। तो हमको जैसे बाबू वहां पे पढ़े मेटल मेटल का रिएक्शन किसके साथ बाबू है ना, बाबू आपका मेटल का रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस के साथ, उसी तरह से नॉन मेटल वाला पढ़ना, जो 6 गो जैसे वहां पढ़े, 6 गो यहीं भी है, 6 गो यहाँ भी है ना, तो ये क्या आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल का क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। तो नेक्स्ट बाबू क्या कर रहा है बाबू, जो मेटल का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो मेटल जनरली बाबू है वो नॉन मेटल जनरली क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल का क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है ना। क्लोराइड कहने का मतलब क्या सर, जो क्लोराइड बनेगा वो कैसा होगा, कोवैलेंट क्लोराइड होगा। अब हमको कैसे पता चलेगा सर कहाँ पे कोवैलेंट क्लोराइड है, कहाँ पे आयनिक है, तो बाबू आपको बाबू देखो आगे केमिकल बॉन्डिंग करके बाबू है ना, एक चैप्टर है आप लोग को पढ़ना तो नहीं है, ये अब आपका बॉन्ड बनता है कहीं भी बाबू है ना, केमिकल रिएक्शन होता है तो क्यों होता है, अपना मैंने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब क्या सर, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए है ना, ठीक। तो दो तरह के भाई, 3 तरह कैसे बॉन्ड बनता है, तो आप लोग का दो तरह का वाला पढ़ना है ना। पहला जो बॉन्ड बनता है बाबू आयनिक बॉन्ड, ये कैसे बनता है ना, जिस कंपाउंड में बाबू आयनिक बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और दूसरा जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। तो जिस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे, और जिसमें आयनिक बॉन्ड कहेगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे है ना, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अब हमरा के पता कैसे चलेगा कि केरा में आयनिक बॉन्ड बनेगा, केरा में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ना, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, एगो एगो आइटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा क्या करेगा लेगा, तो वहां पे आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। और जहाँ पे शेयरिंग होगा, शेयरिंग होगा वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, डिटेल से बता देंगे है ना, डंडी नहीं मारेंगे, बता देंगे आपको है ना, ठीक। तो उसी तरह से रिएक्शन ऑफ मेटल बाबू विथ क्लोरीन, मेटल का रिएक्शन किसके साथ बाबू, क्लोरीन के साथ। तो मेटल बाबू है ना नॉन मेटल, नॉन मेटल हाइड्रोजन मेरा क्या है सर, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ अगर करवाते बाबू तो क्या बनता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है ना, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है ना। ये सब रिएक्शन आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल बाबू क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। कुछ हो इसमें है जी, हाइड्रोजन है क्लोरीन है ना, एडिशन कर दो, दोनों को जोड़ दो, HCl हो जाएगा, क्या हो गया, HCl हो गया है ना, HCl हो गया। तो वही लिखल है नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्या, कोवैलेंट क्लोराइड। कोवैलेंट क्लोराइड कहने का मतलब क्या, यहाँ जो बॉन्ड बने ना ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कोवैलेंट क्लोराइड कहेंगे। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या होता है बाबू, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे ना तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कहने का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने नहीं है ना, पास होने नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे ना, ठीक। तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया है ना, कैसा, कोवैलेंट है, कोवैलेंट क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा सर, बता रहे हैं कैसे बनेगा, कोवैलेंट बता रहे हैं। उसी तरह से बाबू फास्फोरस है रिएक्ट विद क्लोरीन है ना, फास्फोरस है बाबू अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है ना तो क्या बनेगा आपका, फास्फोरस है ना बाबू ट्राई क्लोराइड PClO3 बनेगा। हमेशा ध्यान देना फास्फोरस मेरा P4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस बाबू कैसे ये एग्जिस्ट करेगा P4 के स्टेट में है ना, तो P4+ क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनेगा है ना। तो ये भी क्या है सर, सारा का सारा क्या है, कोवैलेंट क्लोराइड है, कोवैलेंट क्लोराइड मतलब सारा बाबू क्या है। ए सौम्या वीडियो ऑन करो जी, सौम्या इसके पापा जी से बात करते बाबू, ये इस वजह ये शैतान अंतिम मात्र 20 मिनट तो पढ़वे करती है, शुरू से 20 मिनट लेट आती है, अंतिम से 20 मिनट पहले जाती है, 20 मिनट पढ़वे करते हैं, 20 मिनट में लिखती भी नहीं है। कल बाबू बुखार लगे थे सोम्या, हाँ हाँ सर, बाबू, अच्छा तो ठीक है, बहुत आजकल आपको फीवर लग रहा है।
तैयार रहना दुर्गा पूजा में बाबू, ठीक है ना सोमिया? अमृत आएंगे तो भर पेट पेटे, पहले ही 2 महीने पहले ही बोल देते हैं। कार्बन रिएक्ट विद बाबू क्लोरीन टू फॉर्म बाबू क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना? जैसे ये फास्फोरस क्लोरीन के रिएक्शन करके PCl3 बनाएगा, उसी तरह से बाबू कार्बन है, कार्बन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CCl4 बनाएगा। क्या बनाएगा? CCl4 बनाएगा ना, CCl क्या करेगा, 4 बनाएगा, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। तो ये भी सारा का सारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। और जहाँ कोवैलेंट रहेगा तो क्या होगा, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा, है ना। तो ये क्या है सर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका है सर, नॉन मेटल का, है ना। लास्ट एक प्रॉपर्टीज कौन का सा है बाबू, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल बाबू विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, जैसे मैं वो क्या हो गया, है ना, सल्फर, सॉरी बाबू, रिएक्शन ऑफ बाबू मेटल बाबू, है ना, किसके साथ है जी, तो नहीं ठीक है बाबू हाइड्रोजन है ना। यहाँ मेरा क्या है सल्फर, मेरा क्या बाबू नॉन मेटल है, सल्फर मेरा क्या नॉन मेटल, तो नॉन मेटल बाबू हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। कुछ नहीं करना, SH H2S बना देगा। क्यों सर? क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। सल्फर की वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है। तो आपको मॉलिक्यूल्स बनाने लगे बताइए क्या था ना जी, नहीं तो शाम में बताएंगे हाइड्रोजन है सल्फर है, तो सल्फर की 2 हाइड्रोजन का कितना 1, ये यहाँ चिपका दो, ये यहाँ चिपका दो, तो क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन है सल्फर, ये भी कैसा है, कोवैलेंट है, कैसा है, कोवैलेंट है। उसी तरह से वो नाइट्रोजन को रिएक्शन करवा देता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करवा देता है ना, तो वो मेरा क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अब एक यहाँ पे वर्ड लिखल है, कैटलिस्ट लिखल है। कैटलिस्ट क्या होता है बाबू, देखो बाबू कैटलिस्ट क्या होता है बाबू, है ना, जो रिएक्शन को क्या करता है बाबू, तेज कर देता है। जैसे मान लो आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो दो चार छड़ी लग जाएगा तो आपको कैसे, है ना, उठ के बैठ के पढ़ने लगोगे, घोड़ा नहीं दौड़ता, नहीं दौड़ता। जैसे उस पर चाबुक लगता है तो क्या होता है, वो दौड़ना शुरू कर देता। तो वो क्या हो गया, है ना बाबू, जो मैंने पहले काम स्लो हो रहा था वो क्या हो गया, तेजी से हो गया। तो वो जो छड़ी हो गया, चाबुक हो गया, वो क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। उसी तरह से बाबू बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, वो जो केमिकल रिएक्शन कर भी नहीं करेगा, रिएक्शन करवा भी नहीं करेगा, ऐसे बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, कोई मतलब नहीं। आज जैसे उसमें बाहर से कोई कंपाउंड डाल दोगे, है ना, तो वो रिएक्शन क्या होगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं ना। तो ये सारा का सारा रिएक्शन किसका था सर, मेटल, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, सब वो है ना, वो है ना, आपका हाइड्रोजन के साथ, आपका किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इतना सर आपका क्या था, मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी था, और आपका क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी था। दोनों प्रॉपर्टी याद रखना, दोनों का दोनों याद रखना, है ना। आगे बाबू थोड़ा सा डिफरेंस लिखा लेता है ना, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस लिखाए थे ना फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आगे हम लोग क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल का, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस लिखा देते हैं। आपको यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ा सकता है ना, मेटल और नॉन मेटल का क्या लिखा देते हैं, डिफरेंस में कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस लिखा देते हैं, डिफरेंस लगा देते हैं। उसके बाद आपको हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड वाला वीडियो दिखा देते हैं ना, बॉन्ड का वीडियो दिखा देते हैं, कैसे बॉन्ड बनता है, उसके बाद बॉन्ड के बारे में समझा देंगे, है ना, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, हम लोग बाबू एक सोल्यूशन लिए थे, कॉपर सल्फेट में जिंक डाले थे, कैसा सोल्यूशन बनता है जी धर्मवीर, कॉपर सल्फेट में बाबू, कॉपर सल्फेट था आपको, जिंक ग्रेन्यूल्स था ना बाबू, जिंक मेटल रिएक्शन करवाए थे। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यस कैसा होता है जी, कॉपर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है, कॉपर सल्फेट पानी में डालोगे किस ओ रंग का होगा, कौन ब्लू सोल्यूशन, ब्लू हाँ। अब उसके बाद बाबू आपको बोले थे बाबू जिंक है जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कलरलेस देता है। देखो 3 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने का, शैतान है ना। ये डाले थे हम लोग बाबू, यही डाले थे, रख ले जाइए से रखल है ना। ये आपको जो नीचे, ये जो आपको दिख रहा है भोला, इस साइड से निकालते हैं, ये जी पूरे का बाबू, पूरा क्या है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है ये पूरे। अगर इसको दूसरा बीकर में निकालेंगे बाबू तो कलरलेस है ना बाबू। उस समय जो रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। इसको दूसरे बीक में मान निकालो, मान लो इसमें निकाल रहे हो, है ना, तो ये जो सोल्यूशन है भोला बाबू प्योर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना, मतलब कलरलेस है, सॉरी बाबू, ये कैसा है, कलरलेस है। हमने कॉपर सल्फेट में जिंक डाला था ना जी, ठीक, तो जिंक डाला जी था तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का था। अब देखो धीरे जी धीरे रिएक्शन करके, धीरे धीरे रिएक्शन करके क्या हो गया, कलरलेस हो गया, क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ईमानदारी से बाबू, है ना, क्या हो गया आपका, कलरलेस हो गया ना। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, जिंक है, तो जिंक का देखो हल क्या हो गया बाबू, है ना, आई कलर ब्लू हो गया है। देखो ये ब्लू कलर कैसा है, रेड है, कलर क्या है बाबू, रेड है, दिख रहा है जी धर्मवीर, यस सर ये रेड का है, क्योंकि क्या था, कॉपर सल्फेट में क्या था, कॉपर था,
और जिंक इसमें क्या हो गया, लगभग डिजोल हो गया है ना, थोड़ा सा बच रहा, उतना बड़ा हम लोग जिंक डाले थे बाबू, देखो इतनी सा बच रहा, ये जिंक है ना, जिंक है, ठीक है ना, जिंक रेड था। ब्राउन कॉपर ना है सर? हाँ आइए, जो रेड ब्राउन है क्या बेचारा, कॉपर है, जो रेड ब्राउन यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, कॉपर है, क्या है, कॉपर है ना, कॉपर है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मेरा ब्लू था, जैसे हमने जिंक डाला है ना, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर क्या हो गया, हट गया, तो ये इतना सारा क्या मिल गया, कॉपर मिल गया, इतना सारा क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। अरे यही ना था भोला मेरा, ये आपका क्या है, यही आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है, CSO4 है। तो जैसे जिंक से साथ रिएक्शन, तेरा में जो कॉपर प्रेजेंट है ना इसमें, ये इसमें कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो यही आपका कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया है ना, बाहर निकल गया रिएक्शन करके, है ना। और जो सोल्यूशन बना कैसा बना, देखो एकदम कलरलेस बना, क्या बना, एकदम कलरलेस बना। तो 2-3 दिन टाइम लगता है, ये रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शन है ना, जैसे जंग लगता है ना, तो जंग कैसे लगता है, धीरे धीरे लगता है ना, तो जंग से थोड़ा सा ये फास्ट है ना, जंग कोई भी लोहा लागू तो कितना महीना, 2 महीना 3 महीना के बाद लगेगा धीरे धीरे, है ना। तो ये क्या था, उस समय हम लोग घोल रहे थे, तो हल्का हल्का क्या हुआ था, हल्का हल्का हुआ था ना, ब्लू से हल्का हल्का हुआ था। अब 3-4 दिन छोड़ दिए तो पूरे आपका क्या हो गया, कलरलेस हो गया है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, थोड़ा सा अभी हम लोग क्या लिख लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल में है ना डिफरेंस है ना बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस तो लिखा दें, केमिकल का लिखा देते, उसके बाद आपको क्या करेंगे, वीडियो दिखा दें, है ना। डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज बाबू ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसको याद रखना, जितना पढ़ाए अच्छे बुक के दोनों में वही है। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, डिफरेंस लिखो शैतान, ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं ना, बता चुके हैं डिफरेंस बाबू। शिवानी, शिवानी तो यस पापा जी बोला डेली टाइम पे आ जाओ बाबू, है ना, शाम को नहीं तो सुबह बोला कम से कम हैंडल कर लो, कल टाइम पे आ जाना, क्या थोड़ा सा बॉन्ड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन बाबू। नहीं चल रहा बाबू शिवानी? नो सर, अरे तो वाईफाई मोबाइल नहीं खुलता वो, अपना मम्मी वाला से वाईफाई लो ना जी, आप पापा वाला में चलाओ, सर फिर भी नहीं चल रहा है, वाईफाई से भी नहीं चल रहा। मम्मी का हॉटस्पॉट ऑन करो, डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मम्मी वाला में हॉटस्पॉट ऑन करो और पापा वाला में चलाओ। नहीं समझ में आता ना तो सिम में खोल कर डाल दो, सबसे बढ़िया, टेंशन कुछ 1 मिनट का तो काम है, एगो सिम निकाल के 1 मिनट के लिए डाल दो, 1 मिनट में तो ही जाता है। एयरटेल में हो सकता नहीं चलता होगा, हमको कौन सा प्रॉपर्टी लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा दिए, ये मेटल इधर हो गया, इधर इसको याद रखना, इसको क्या हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, ठीक। एक गुनगुन अनुज बाबू वीडियो ऑन करो जी, सब शैतान बंद की लें, एक आनंद रह गया मेटल बाबू, बेसिक नेचर का होता है। मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल फॉर्म पहला तो क्या होता है बाबू, मेटल जो बनाता है कैसा ऑक्साइड बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, यह याद रखना, मेटल रिएक्शन करके मेरा कौन सा ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, मेटल फॉर्म बाबू बेसिक ऑक्साइड बाबू, देन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक बनाएगा, देन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ये सब जो हम पढ़े हैं अभी तक है ना, वही चीज है जो अभी तक पढ़े हैं वही है। नॉन मेटल कौन सा ऑक्साइड बनाता है, एसडी को न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, पहला नंबर नॉन मेटल बाबू, लिखते चलो, लिखते चले बाबू, इसमें टाइम क्या दे, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यह शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, नॉन मेटल फॉर्म एसडी को ऑक्साइड लिख रहे सब यहाँ, यस सर, एसडी ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड,
अभी बुखार नहीं ठीक हुआ जी? हो हो गया सर। गया अभी? मम्मी से पापा से बात करते, शैतान लगा था कि नहीं लगा था? आपका कोई ठीक है बाबा? क्या बजे उठते हो शाम में आप? सर 4:50। हाँ तो थोड़ा काम फास्ट किया करो, जाकर रेस्ट रूम में जाकर रेस्ट करते रहती हो, सही चीज थोड़ी है, काम फास्ट करो। मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, जो दूसरा रिएक्शन हम लोग करें। मेटल का रिएक्शन किसके साथ किए थे? वाटर के साथ किए थे ना जी, तो वाटर में से हाइड्रोजन क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, तो वही मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन बाबू फ्रॉम वाटर। आपको जो रिएक्शन पढ़ाए, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल का नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल का रिएक्शन है किसके साथ? वाटर के साथ। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल का रिएक्शन किसके साथ बाबू? क्लोरीन के साथ, है ना, हाइड्रोजन के साथ। जो पढ़ाए उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन बाबू फ्रॉम वाटर और रस्टी। अभी नॉन मेटल मेरा रिएक्शन नहीं करता है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तीसरा नंबर बाबू, इनको खत्म हो गया। एसिड से, एसिड के साथ पढ़े थे तो मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन देन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। सुशैतान क्या कर रहा है जी? सुबह बाबू सुब नहीं ना, फोटो खींच के भेज रहा है, फिर कूटेंगे इसको। ये अब लतखोर हो गया शैतान सु, अभी तो नहीं छोड़ेंगे बाबू। नॉन मेटल बाबू डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ जब रिएक्शन नहीं करेगा तो डिस्प्लेस हाइड्रोजन नहीं होगा, तो डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। नेक्स्ट बाबू, फोर्थ नंबर, छह को हम लोग रिएक्शन, हम लोग का कौन सा है? छह रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल के बीच में कितना? छह है। शर्मा ऐसा ना कहा जी, लिख यस रही हो जी? अरे यस सर। मेटल फॉर्म बाबू आयनिक कंपाउंड, हमेशा ध्यान देना, मेटल कैसा बनाता? आयनिक कंपाउंड बनाता।
ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। मेटल फॉर्म बाबू आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक क्लोराइड, आयनिक क्लोराइड भी रिएक्ट विद क्लोरीन, जैसे NaCl हो गया, NaCl क्या हो गया, NaCl हो गया, देन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, कल जरूर कर लेना बाबू शिवानी, किसी तरह से बाबू कल हम लोग को भाई ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है शिवानी। यस अशिवानी बेचारी का आवाज नहीं जाता। नॉन मेटल बाबू फॉर्म को वैलेंट क्लोराइड, पांच नंबर छह है बाबू, कितना डिफरेंस, छह है, छह को केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, छह को डिफरेंस है। मेटल इज वाली बाबू, डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, तो स्कूल आज जाना है सोमया कि नहीं जाना बाबू, जाने जाने सर सारा बच्चा 10th का सैंपल पेपर खरीद लेगा जी, मार्केट में आ गया खरीदेगा और उससे एक क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। मेटल्स आर जनरली काय गुनगुन, क्या करे बाबू, खाना बना रही है जी, सर अभी लिखा रहे हैं ना, इसलिए लिख रहे हैं। खुर खुर के पानी की आवाज आ रहा है जी। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर जनरली बाबू
नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है आपका? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वीडियो दिखा देते हैं। देखो वो केमिकल बॉन्ड बनता कैसे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखो, थोड़ा सा वीडियो दिखा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ईसा यस लिख रही हो? सर अब 10 मिनट जाना जी। ए गुनगुन, जाना बाबू कि नहीं जाना? जाना है सर। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये को ज्योति को पढ़ना था हीरो फॉर्मूला। देखो वो केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है ना, जल्दी लिखो इसको। कैसे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? अनुज ये बोला, आज कौन सा सब्जेक्ट है हाँ बाबू? सर, कौन सा सब्जेक्ट आज है? आज सर मैथ। मैथ है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया यस जी? चलो यस सर। हाँ, तो आज रिजल्ट आएगा तो दावा खिला देंगे आके। बहुत दिन हो गया आपको खिलाते हुए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी। एस शर्मा प्रधान मेरा कहाँ गया? 6 बजे बजे स्कूल जाता प्रधान? 7 बजे जी। 6:40 को निकलते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम। लिख लिया बाबू? नहीं लिख पाए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखो। देखो बाबू, केमिकल बॉन्ड आखिर होता कैसे है? कोई भी एलिमेंट भोला मेरा कैसे बनता है, कैसे बनता है इसको समझो। समझ गया आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया। आइए चीज शाम को भी बताएंगे। कुछ कुछ टॉपिक बाबू दोनों सुबह शाम क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। समझो शुभ शैतान। संजना बोली आप। सम्या कहाँ चली बाबू? कहीं नहीं सर। जाना भी नहीं है जी। नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए थे, वहां से लिखिएगा। टाइम भी नहीं, हमको पढ़ाना भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, वहां से लिखिएगा। अपना सारा फैसिलिटी अवेलेबल है ना। हाँ, वाईफाई का सिग्नल नहीं है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कनेक्टेड होगा। केमिस्ट्री सी सेंट्रल केमिकल बॉन्डिंग। देखो ये वीडियो आप लोग को बहु लगभग बहुत बार दिखाए होंगे है ना, बहुत बार। इसको समझना है, खाली देखना नहीं, देखना नहीं है, खाली समझना है ना, समझना है। इन्हें के खाली देखना, मन से सुनना बहुत। शुभ शैतान अनु शैतान निको। देखो कोई भी आइटम बाबू, जैसे कहीं भी कुछ बना हुआ है, शांति समझना। तो ये क्या आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये सारा का सारा क्या आइटम है। और एक आइटम दूसरे आइटम से बाबू एक लाइन से जुड़ल है। कैसे जुटल है? एक लाइन के थ्रू जुटल है। तो ये जो लाइन जुटल है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। शांति से समझो, इससे आसान टाइप टॉपिक कुछ नहीं है। हमने क्या बोला, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे बहुत सारे आइटम होते हैं। तो आइटम आइटम से कैसे जुड़ता है, गठबंधन कैसे होता है, तो बॉन्ड के थ्रू होता है।
यहाँ पे बहुत सारे एटम जुटल, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, लाइन दिख रहा है। तो ये जो लाइन है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है कितना टाइप के होता है बाबू, तीन टाइप के होता है। ऐसे तो बाबू छह सात को होता है, हाइड्रोजन। आगे 11 12 में जाओगे ना तो इसको एकदम डिटेल से वहां से आपको और वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आए। बहुत टाइप के बॉन्ड होते हैं बाबू ना। हम लोग के पढ़ना है दो गो, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है और आयनिक बॉन्ड पढ़ना है ना। ठीक, मतलब बाबू कैसे आयनिक बॉन्ड बनेगा, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बने। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वंडरवाल्स बॉन्ड होता है ना बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत सारा सारा टाइप होता है। हम लोग भी पढ़ते पढ़ते पागल हो गए थे, है ना। एगो पूरा केमिकल बॉन्ड करके एगो बूके आता है ना, लगभग 3 4 महीना पढ़े हैं। ठीक, तो ये आइटम है, आइटम कैसे जुटल है जिसके बाबू है ना, ये जो डंटी है, ये जो लाइन है ना, एक है ना, ये क्या, जैसे बाबू आप लोग पेरेंट्स से जुटल हो, इमोशनली है, इमोशनली हम लोग अटैच है फैमिली से है ना बाबू, इमोशनली है ना, मोह माया सब है ना। तो उसी तरह से आइटम भी क्या होता है, मोह माया होता है। तो उस जो मोह माया है उसको क्या कहा गया, बॉन्ड कहा गया। ठीक, नेक्स्ट समझना है ना। तो ये सारे का सारे आपको क्या बाबू, आइटम है ना, आइटम था है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझ, ये सब है ना, ये सब सभी हमको मतलब नहीं है। ये आइटम क्या होता है, किसी भी चीज को बाबू है ना जूम करते जाओगे तो वही आपका क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा। तो इस तरह से बॉन्ड, ये बहुत सारे क्या है, आइटम है। ये क्या है, आइटम है, बहुत सारे क्या, आइटम है। ठीक, अब आपके पास, हमारे पास बाबू कितना है टोटल बाबू एलिमेंट, अगर बात किया जाए बाबू तो पीरियोडिक टेबल में कितना है, 118 है ना। अब शांति से समझो, तो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये पढ़ाए हैं सूर्य से पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो एटम के चारों ओर बाबू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये क्या ऑक्सीजन है, ये भी क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन ही आपस में क्या करता है, डोनेट करता है। या तो दो तरह से हो सकता है, केमिकल जो बॉन्ड बनता है बाबू है ना इलेक्ट्रॉन का, देखो आपको बॉन्ड बनाना है तो या तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे, या दूसरा आइटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले ले, या क्या करे, दोनों के बीच क्या करे, शेयर करे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर सेल में बाबू, ये ऑक्सीजन एटम है, कौन सा ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ये भी ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसका आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, शांति से समझना। देखो इसका आउटर सेल में क्या बाबू, हाँ अब समझो, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। काउंट करो ना जी, 1 2 3 4 5 6, एगो इधर है ना, इसमें भी काउंट करो, ये ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक ठीक बोला। अब यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना बाबू, आपको कोई भी कंपाउंड है शैतान, तक केमिकल रिएक्शन क्यों होता है याद करते चलना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कहीं भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, अपने आउटर सेल में कोई भी आइटम चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, है ना। हीलियम के केस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको ड्यूप्लेट कहेंगे। तो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो कितना तरीका हो सकता है, 3 तरीका। किसी भी आइटम को आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करेगा, 3 तरीका। पहला तरीका क्या है सर, इलेक्ट्रॉन पूरा कोई दे दे तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा आउटर सेल में। दूसरा तरीका क्या, इलेक्ट्रॉन ले ले है ना पूरा है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा। तीसरा क्या हो जाए, शेयरिंग करें, बता रहे हैं कैसे होता। तो मान लो इसके इसके बाबू क्या, आउटर सेल में ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बाबू ये अपना वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसको इसके इस ऑक्सीजन को दे देता और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता, मतलब बाबू दो दो इलेक्ट्रॉन का बाबू, दो दो इलेक्ट्रॉन बाबू आपस में ऑक्सीजन क्या करता, आपस में शेयर कर लेता। जैसे बिजनेस खोलना है तो 10 लाख रुपया चाहिए, आपके पास 5 लाख है, तो 5 लाख किसी और से क्या करोगे, शेयर कर लोगे। तो जब शेयर करोगे तो उस बाबू जो बिजनेस होगा दोनों का इक्वल अधिकार होगा, है ना, तब ना बाबू 10 लाख पूरेगा। तो उसी प्रकार बोला, इसको 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन 6 वे गो है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा। इसका ये भी ऑक्सीजन एटम है तो इसको भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको भी घट रहा। तो अब दोनों क्या करेगा, ए भाई वाह, हाँ बोला ना, 2 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो और 2 इलेक्ट्रॉन हम तुमको दे देते, है ना। मतलब क्या करते, पार्टिसिपेट कर देते, दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते, शेयर कर लेते। तो जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन का ये शेयर कर लेगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, तो क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, O2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। देखो कुछ ऐसे, ठीक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ थोड़ा सा पीछे देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एगो एक बार और जाओ, आ जाओ आ जाओ थोड़ा सा बस, हाँ देखो बात समझ में आता है, कितना अच्छा मैजिक है।
ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो गो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम का है, और ये दो गो जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन एटम का है ना, तो ये चार इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये चार इलेक्ट्रॉन पे इस ऑक्सीजन का भी अधिकार होगा चारों पे, और इस ऑक्सीजन का भी अधिकार होगा चारों पे, ठीक है ना। अरे शैतान, इस ऑक्सीजन का असल में छह इलेक्ट्रॉन, तो दो गो घट रहा, तो दो गो ये क्या कहता, भाई बा दो गो हमारा तू दे दे, और ये ऑक्सीजन करेगा भाई बा दो गो हमारा ये तू दे दे, मतलब दोनों दो दो को मिलकर क्या करे, शेयर कर ले। तो जैसे शेयर कर लेगा दो दो इलेक्ट्रॉन का, तो अब इसके आउटर सेल में गिनोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आठ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन एटम के आउटर सेल में गिनोगे आठ इलेक्ट्रॉन, चार गो तो यही हो गया सर, और चार गो इधर कहीं है, चार इलेक्ट्रॉन इधर कहीं है, तो टोटल क्या हो गया, आठ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ से बाबू क्या बना, ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर बना, इसी को आपको कैसे दिखाई देगा, बॉन्ड के थ्रू, कैसे, बॉन्ड के थ्रू। तो उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, है ना बाबू, है ना, इसी को आपको शेयर से बन रहा, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बन रहा, तो ऐसे जब बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग कौन कौन सा कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, कौन सा कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, है ना, ठीक है ना, कौन सा कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो केमिकल बॉन्ड का दो खानदान, एगो होता आयनिक बॉन्ड, है ना, आयनिक बॉन्ड बता रहे हैं ना कंप्लीट ट्रांसफर से, दूसरा मेरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, दूसरा मेरा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, है ना, यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। देखो दो दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर करके बन रहा, ये भी ऑक्सीजन एटम, ये भी ऑक्सीजन एटम, तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनेगा, तो ये जो बॉन्ड बन रहा इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डंटी से, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, एक गो बॉन्ड में, एक गो डंटी में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो गो, तो यहाँ दो चार गो इलेक्ट्रॉन है, तो कई गो डंटी होगा, दो गो डंटी होगा, कैसे सर, शांति से समझो, देखो कैसे, यहाँ पे कई गो डंटी हुआ, पीछे का भाग रहा है, इधर आ जा थोड़ा सा, इधर आ जा, हाँ देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो डंटी, देखो यहाँ आ गया, आ जाओ जी 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 आ जाओ, हाँ दो डंटी, ठीक। देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो एक डंटी, तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक कितना डंटा, दो डंटा, तो ये जो डंटा दिखाई दे रहा इसी को नाम क्या है, बॉन्ड है। ये जो आपको दो डंटा दिखाई दे रहा है बाबू, धर्म प्रधान, अब प्रधान दो डंटा दिखाई दे रहा है जी, कितना दे रहा प्रधान, नहीं दर नहीं दे रहा धर्मवीर, हाँ, दे रहा है सर। तो ये जो दो डंटा है ना बाबू, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। एक डंटा के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एगो ये, तो एगो डंटा बनेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, ये शेयर करता, तो दूसरा डंटा बनेगा, है ना, तो ये क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड। तो दो गो है तो इसको डबल कोवैलेंट है, इसमें क्या डबल बॉन्ड है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे, दो बॉन्ड रहेगा। मान लो जैसे नाइट्रोजन के केस में तीन गो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तीन गो एक कर, तीन गो एक कर, तो तीन गो आ जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। चार गो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है ना वो, चार गो नहीं करता है ना, चार गो नहीं करता, तीन बॉन्ड मैक्सिमम, एक बार में तीन गो बनेगा, एक आइटम के साथ मैक्सिमम तीन गो बनेगा, है ना। तो ये जो बन रहा है, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, ओ टू बनेगा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, ओ टू बनेगा, है ना, ओ टू बनेगा, है ना। तो ये आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता, म्यूचुअल शेयरिंग से, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता, म्यूचुअल शेयरिंग से। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, है ना, समझते चलना, ठीक है, ये जो बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसको बताएंगे आपको, है ना, बताएंगे थोड़ा सा, और कोवैलेंट वाला है कहीं, ये आयनिक वाला है, आयनिक जब बताएंगे तो उस समय बताएंगे। कहाँ चल गए जी, खत्म हो गए जी, ठीक, और इसमें दिया कुछ हो, यानी के बताया था, यहीं पे हाईलाइट है ना, ये हो गया आपका कोवेलेंट, थोड़ा सा पीछे देखो, देखो वो यहाँ सीओ टू है, कौन है, सीओ टू, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कार्बन का आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, आउटर सेल में छह इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको दो को घट रहा है, कार्बन को भी बाबू चार को घट रहा है, तो एक गो कार्बन इसके दो गो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, है ना, दोस्ती करेगा, ये ऑक्सीजन एटम है, यहाँ कार्बन है, तो ये जो कार्बन है थोड़ा सा इसको पीछे करो, है ना, देखो, हाँ समझो, ये ऑक्सीजन एटम है, ये कार्बन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, देखो ये ऑक्सीजन का आउटर सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन है, छह गो, ऐसा ना, वीडियो ऑन करो, एक दो दो चार दो छह गो है,
कार्बन का असल में क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाए थे, 1 2 3 4। ठीक, ऑक्सीजन का असल में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना ऑक्सीजन को, और कार्बन का असल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन को कई गो घट रहा है, 4 गो घट रहा है, और ये ऑक्सीजन को कई गो घट रहा है, 2 गो घट रहा है। तो क्या करेगा कार्बन, ये क्या करता है बाबू, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, और ये कार्बन वो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा तो दो दो शेयर करेगा तो ये इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे सर, कार्बन के 4 है, 2 इससे शेयर करेगा तो 4 2 6 इधर हो गया, है ना बाबू। अरे से तना भी 4 इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो 2 गो इस ऑक्सीजन से मिलेगा तो 4 2 6, और 2 गो इससे शेयर करेगा तो 8। तो इस तरह से बाबू क्या बनता है आपका, तो CO2 बनता। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा देखो, इस तरह से क्या हो गया, शेयर कर लिया, कितना अच्छा सब दिखाया गया। देखो सेता, कार्बन हो गया, कार्बन का आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन और 2 गो ऑक्सीजन वाला, ये आपस में क्या करेगा शेयर कर लिया, यहाँ ऑक्सीजन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लिया, है ना। ठीक, तो यहाँ क्या क्या शेयर से क्या क्या बाबू, है ना। अब देखो यहाँ पे काउंट करो, हर एक आइटम का आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना अच्छा ऑक्सीजन है, 8 गो गिनो, 2, और यहाँ 4 गो हो जाएगा ऑक्सीजन का आउटर सेल में, देखो ना 1 2 और 4 गो, यहाँ 4 2 6 2 8 गो, कार्बन का गिनो आउटर सेल में तो 4 गो इधर 4 गो इधर, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस ऑक्सीजन का गिनो, 2 2 4 और 4 गो यहाँ, 8 गो हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ और ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, रिएक्शन की करता 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने तक, इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, है ना। तो 2 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 गो डंटे होगा, कितना होगा, 2 डंटे, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 डंटे। देखो इसको इंडिकेट कैसे करोगे, इसी डंटी के थ्रू क्या किया गया, इतना अच्छा से तो समझाया गया जी। देखो तो इसी डंटी के थ्रू क्या किया, इंडिकेट किया जो, तो ये जो आपको है यही उधर देख रहा है धर्मवीर, दे जी जी लो जिंदगी जी लो, यही जो आपको है बाबू, यही आपका कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, जी लो जिंदगी धर्मवीर बाबू, ठीक है ना। तो ये आपका कौन है, CO2 है, क्या है, CO2 है ना। आगे एक रह गया आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देंगे, है ना, ठीक है ना। अब ये आइटम क्या होता है, CO2 गैस इसी तरह से फॉर्मेशन होता है, कितना अच्छा से दिखाएगा, देखो तो एकदम जुटल है ना, ठीक बोला। चलो आपको कल इसके बारे में लिखा देंगे, है ना, बाय सर, और आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बारे में बता देंगे। बाय सर। बाय बाय बाबू, दिखाई देता है क्लियर बाबू, ईसा ए बोली ना बोलोगी, चल गई।